हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं टेक्निकल टेनिथ। और दोस्तों, आज हम आपके लिए कैसी जानकारी लेके आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई एक इंश्योरेंस का स्कीम है जो बहुत ही कम अमाउंट में 2 लाख रुपये का कवरेज देता है, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के स्कीम हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं और आम लोग उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं सिर्फ जानकारी के अभाव में। जिन लोगों के पास मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या फिर न्यूज़पेपर, टीवी चैनल देखते हैं, उनके पास तो कंप्लीट जानकारी रहती है और वो लोग हर गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं अपने समाज में जो इन सबसे अलग रहते हैं और उनको सरकारी स्कीम की हर छोटी छोटी जानकारी भी उन तक नहीं पहुँच पाती है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों यही है, सरकारी स्कीम है वो सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। जितने भी आम लोग हैं, जो भी छोटे बड़े सभी लोग हैं, सब तक ये जानकारी पहुंचे और सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो के स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये काफ़ी छोटा वीडियो है और इसमें एक एक चीज़ मैंने बहुत ही विस्तार से बताया है, तो कृपया पूरा वीडियो देखें। चलिए वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। बहुत ही अच्छा एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, हर तरह के लोग इसको अवेल कर सकते हैं, इस सरकारी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसमें दोस्तों जो मिनिमम जो एज ग्रुप का जो टारगेट है, अब वो 18 से लेकर 70 साल के जितने भी लोग हैं उनको टारगेट किया गया है। सबसे पहले दोस्तों हम इसके फीचर्स देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। सारे फीचर्स हम यहाँ पे के करके देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दो क्राइटेरिया है इसमें। पहला, एज 18 से 70 होना चाहिए। दूसरा, किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना मस्ट है। अगर ये दो चीज़ हैं तो आप कहीं भी जा करके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए इनरोल कर सकते हैं। अब इसका अगला आता है दोस्तों, इसमें पॉलिसी का जो पीरियड होता है वो 1 साल का ही होता है, यानी कि वो 1 जून के 1 तारीख से लेकर के 31 मई तक का ये पीरियड होता है। आप कभी भी इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि जून में ही करना है, आप साल के किसी भी महीने में फॉर्म भर के इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है इसका जो प्रीमियम, ये जो प्रीमियम होता है दोस्तों, ये साल का 12 रुपया होता है, यानी कि 1 महीने का 1 रुपया। महीने में 1 रुपया मामूली रकम है दोस्तों, कि आपका 1 महीने में 1 रुपया लगता है। साल का 12 रुपया में आपको 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा है इस मामले में। अगला दोस्तों इसके बाद आता है इनरोलमेंट मोड, यानी कि हम इसमें अप्लाई किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ट्रेडिशनल, वही जो हम लोग बैंक जाते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं और फॉर्म ब्रांच में सबमिट कर देते हैं, तब हमारा काम होता है। दूसरा तरीका है किसी भी बीसी पॉइंट, चाहे वो किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट हो, वहाँ पर हम जाकर के सिंपली अपना आधार में जो फिंगर है वो फिंगर लगा करके इस योजना के लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है, अगर हमने किसी भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी ले रखा है तो हम इंटरनेट बैंकिंग से भी इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मोबाइल बैंकिंग में भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपके पास किसी भी बैंक का मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी आप यूज़ करते हैं तो आप मोबाइल बैंकिंग से भी इसको इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे बैंकों ने व्हाट्सएप बैंकिंग के तहत भी इसको इनरोल करने के लिए चालू कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के व्हाट्सएप बैंकिंग से भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। घर बैठे कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई फॉर्म फिलअप करने का ज़रूरत है। इसके बाद एक और तरीका है दोस्तों, कि ऑनलाइन बैंक के वेबसाइट पर जाकर के, आप किसी भी बैंक के वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस बैंक में आपका अपना एक सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों जो अगला वो इंश्योरेंस बेनिफिट, इसमें हमको क्या बेनिफिट मिलेगा? दोस्तों इसमें हमको जो बेनिफिट्स मिलेगा, अगर मान लीजिए कि हमारा एक्सीडेंटल डेथ होता है तो हमको उस केस में 2 लाख रुपया मिलेगा। और अगर परमानेंट पार्शियल डिजेबिलिटी हो जाता है, मान लीजिए कोई भी एक अंग हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है, डिजेबल हो जाता है, विकलांग हो जाते हैं हम, तो उस केस में हमको 1 लाख रुपये का
इंश्योरेंस राशि जो होगा वो मिलेगा। दोस्तों अगर एक्सीडेंट से डेथ होता है या परमानेंट टोटल डिजेबिलिटी हो जाता है, मतलब अगर दो पैर हैं दोनों पैर गायब हो गए, दो हाथ है दोनों हाथ एक्सीडेंट में गायब हो गए, तो उस केस में हमको 2 लाख रुपया मिलेगा। अगर कोई भी एक अंग खराब होता है परमानेंटली, वो डिजेबल हो जाता है, विकलांग हो जाता है, तो उस केस में 1 लाख रुपया मिलना निश्चित है। दोस्तों 12 रुपये में कुछ नहीं जाता है, महीने का 1 रुपया हमको इन्वेस्ट करना है और 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस करके हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला है वो होता है कि इसका जो मैच्योरिटी होता है वो 1 साल का ही होता है और इसमें बैंक जो होता है ऑटो डेबिट फैसिलिटी अवेलेबल करती है। सपोज आपने 1 साल के लिए आपने ये इंश्योरेंस ले रखा है, 12 रुपया आपने दिया, पूरे साल का इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद आपको अगले साल के लिए फिर से दोबारा फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है कि मई महीने में, हर साल के मई महीने में अपने खाते में जो सेविंग अकाउंट है, जिस खाते से आप इस इंश्योरेंस का, इस योजना का लाभ उठाएंगे, उस खाते में कम से कम 12 रुपये का बैलेंस होना ज़रूरी है। आप अपने खाता में बस 12 रुपये का बैलेंस मेंटेन कीजिए, ये स्कीम ऑटोमेटिक अगले साल के लिए रिन्यूअल होती रहेगी। आपको हर साल अपने खाते में 12 रुपये का बैलेंस सिर्फ मेंटेन करना है। इसके बाद दोस्तों आता है इसका जो क्लेम होता है एक्सीडेंट के 30 दिन के बाद सेटल हो जाता है और इंटीमेशन जो होता है वो 60 डेज के तक हम इसको इंटीमेट कर सकते हैं। एक्सीडेंट होने के 60 दिन तक हम बैंक को ये बता सकते हैं कि हमारा एक्सीडेंट यहाँ हुआ है, हमने इस इंश्योरेंस का फ़ायदा उठाया था जिसमें हमको इतना का इंश्योरेंस मिलने वाला है, तो ये हम 60 दिन तक बैंक को बता सकते हैं। और टोटल जो फॉर्म है वो सबमिट करने के बाद 30 दिन के अंदर जो होगा क्लेम सेटल हो जाएगा और नॉमिनी के खाते में जो 2 लाख रुपया या फिर 1 लाख रुपया का जो अमाउंट है वो जमा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ी जानकारी जो मैंने आप तक पहुँचाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।